देखिए खेतों के बीच एक छोटा सा सियार का बच्चा आ गया है, देखिए किस तरह से भाग रहा है। खेत के मेड़ में चलने में काफी कठिनाई होता है, थोड़ा सा पाव भी इधर उधर हुआ तो सीधे नीचे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। कैसे आप सब? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स चलिए आज आप सभी लोग को हमारे गांव में खेती बाड़ी कुछ दिखाते हैं, क्योंकि अभी का मौसम चल रहा है धान का रोपाई वाला और पूरे गांव के लोग जोर शोर से लगे हुए हैं खेती बाड़ी करने के लिए, खास करके अभी धान रोपाई करने के लिए। और हमारे घर में भी अब धान की रोपाई स्टार्ट हो चुका है, तो चलिए आज आप लोग को हमारे घर के साथ साथ पूरे गाँव वाले लोग को भी दिखाते हैं कि किस तरह से रोपाई कर रहे हैं। सबसे पहले ले चलते हैं आप लोग को हम लोग का अपना खेत, जहाँ पे हम लोग का धान बीजा लगा हुआ है, जिसे गांव के भाषा में धान का भीन बोलते हैं, वहीं पे ले चलते हैं। वहाँ पे बहुत सारा भीन लगा हुआ है। अपना भीन खेत देखिए पहुँच चुके हैं हम लोग का, यही वाला भीन खेत है। देखिए कितना पूरा धान का बीजा लगा हुआ है, अभी कितना मस्त लग रहा है, देखिए पूरा सुंदर हरा हरा, देखिए कितना बड़ा बड़ा हो गया। अब रोपाई करने जैसा हो गया और इतना बड़ा बड़ा हो भी गया। अब इसको इतना सा थोड़ा सा कबाड़ के भी सामने वाला जो पेड़ दिख रहा है वहाँ पे भी रोपाई कर रहे हैं, और भी बहुत सारा भी यहाँ पे बचा हुआ है, तभी दूसरा खेत के लिए भी यहाँ पे है। लगभग यहाँ 4 से 5 खेत के लिए हम लोग करते हैं, तो अभी इतना सारा यहाँ कबाड़ चुके हैं। चलिए अब थोड़ा सा इसको कबाड़ते भी हैं, लेकिन हमसे नहीं हो पाता क्योंकि जब कबाड़ते हैं तो टूट जाता है, क्योंकि इतना सा कबाड़ लिए इसको बांधते हैं हम। ये पूरा बंधा गया। और जुनैद को देखिए, जुनैद भी साथ में खेत आ गया है, और देखिए पूरा पैंट ऊपर ऊपर कर लिया ट्रोजर, और सर में टोपी पहन लिया, इसको ठंडा लग रहा है अभी। जल्दी आओ, तुम भी कबाड़ो तो थोड़ा सा। काहे नहीं कबाड़ नहीं सके? एक ठो बैठने वाला लेते हो। हाँ कुछ नहीं होगा, लेता देखिए। भी नहीं सक रहा है, भी तोड़ दे रहा है। चलो अब इसको ले चलते हैं खेत। ये रहा हम लोग का खेत, देखिए पहला खेत ये हो गया और वो दूसरा खेत है, और उसमें तो अभी रोपाई हो गया, वो ख़त्म हो चुका है, और इसमें अभी थोड़ा सा हुआ। चलिए अब आप लोग को दिखाते हैं कि खेत में किस तरह से आटी लगाते हैं। पूरा खेत में भी उतरने का जरूरत नहीं पड़ेगा, और यहीं से फेंक के डायरेक्ट पूरा कॉर्नर तक पहुंच जाता है। जब हम लोग छोटा छोटा रहते थे तो पूरा दूर दूर तक फेंकते थे, पूरा एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे पहुंचा देते थे। आप लोग सोच रहे हैं कि यहाँ को रोपने वाला तो भी दिखाई नहीं दे रहा, आप लोग को बता दें कि अभी दोपहर का 1 बज रहा है, इसलिए उन लोग खाने गए हैं दोपहर का खाना, तो कुछ देर के बाद आएँगे तो ये बच्चा खुचा वो भी कम्प्लीट कर देंगे। और आप लोग को आप ले चलते हैं पूरा मेन हम लोग का बहियार, जो वहाँ पूरा खेत ही नज़र आएगा, वहाँ पे ले चलते हैं, वहाँ पे हम लोग का खेत है। बहियार पहुँचने वाले दोस्तों, आप लोग को दिखाते हैं भी कितना बड़ा बहियार हम लोग का। बहियार पहुँच चुके हैं दोस्तों, देखिए अब यही वाला बहियार हम लोग का, बहुत लंबा चौड़ा बहियार है। पीछे साइड जो जंगल दिख रहा है वो जंगल तक पूरा खेती खेत नज़र आएगा। और आप लोग को बता दें कि इस बहियार इतना बड़ा है कि पूरा गाँव का आदमी का एक ना एक खेत जरूर इसमें है। और हम लोग का खेत आप लोग को बताएंगे तो वो जंगल जो दिख रहा है वो जंगल के किनारे है, तो वहाँ पे ले चलते हैं आप लोग को, दिखाते हैं हम लोग का खेत। देखिए बहियार में किस तरह से लोग पूरा खेतों में काम करने में लगे हुए, आधा रोपाई पूरा ख़त्म हो चुका है, कुछ कुछ बता हुआ है, तो देखिए कहाँ तक।
आधा भैया पूरा पास कर चुके हैं दोस्तों। देखिए जितना पूरा पीछे दिख रहा है वो आधा भैया पास कर चुके हैं, अभी बीच में है। और हम लोग का घर बता दें कि वो जो पहाड़ दिख रहा है पहाड़ के किनारे ही है। हमको और अभी थोड़ा दूर जाना है, जो आप लोग को बताए थे कि वो जंगल साइड में हम लोग का खेत है तो वहाँ पर पहुँचना है। अभी हमारे घर में वो काम कर रहे हैं हम लोग घर वाले लोग, और दिखाई नहीं देगा उधर ही काम कर रहे हैं हमारे घर वाले। देखिए वहाँ पर काम कर रहे हैं, जो दिख रहा है वहाँ पर वहीं पर काम कर रहे हैं, और वहीं हम लोग का खेत है, वो आसपास में हम ही लोग का खेत है एक दो। और देखिए खेतों के बीच एक छोटा सा सियार का बच्चा आ गया है, देखिए किस तरह से भाग रहा है। अभी ये बच्चा है भटक के आ गया जंगल से, पूरा किनारे से इधर आ गया है। खेत के मेड़ में चलने में काफ़ी कठिनाई होता है, थोड़ा सा पाँव भी इधर उधर हुआ तो सीधे नीचे खेत में। देखिए भैयार में हम लोग अपना खेत के पास पहुंच चुके हैं। ये वाला हम लोग का पहला खेत है, और एक दूसरा वो वाला खेत है जिसमें देखिए हम बैल उसमें रखा गया। अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप सभी लोग को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारा पुराना ब्लॉग भी देखते रहिए।